हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग ड्रिल बीट के बारे से देख लेते हैं। इसके पहला वीडियो मैंने बना दिया था ड्रिल मशीन के बारे से, कौन कौन से मशीन होते हैं और कहां कहां पर उसका यूज़ किया जाता है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा इसका पार्ट वन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ड्रिल बीट के बारे से देख लेते हैं, जो कि ड्रिल मशीन में इसका मेन रोल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिल बीट के बारे से। तो ड्रिल बीट होता क्या है? ड्रिल बीट जो है जॉब पर होल क्रिएट करता है। ठीक है, ड्रिल बीट ये एक कटिंग टूल है और इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? किसी जॉब पर होल करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जनरली जो ड्रिल का बीट होता है उसका मटेरियल क्या रहता है? हाई कार्बन स्टील से या फिर इसको हाई स्पीड स्टील से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको दो मटेरियल, या तो इसको हाई कार्बन स्टील से या फिर हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। जनरली जो हाई कार्बन स्टील होता है इसका उपयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो हार्डनेस होती है वो कितना रखा जाता है? 61 से लेके 64 HRC होता है। इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा ही जाता है। जो हाई कार्बन स्टील का जो बीट होता है उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए किया जाता है। और उसकी जो हार्डनेस होती है वो 61 से लेके 64 HRC तक रखा जाता है। नेक्स्ट है, जो हाई स्पीड स्टील का जो बीट होता है उसका प्रयोग हम लोग जनरली हार्ड मेटल की कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्ड मेटल की कटिंग के लिए। और इसका जो रहता है हार्डनेस वो कितना रखा जाता है? 62 से लेके 65 HRC तक रखा जाता है। HRC मतलब आपको फुल फॉर्म बताया था, HRC मतलब होता है हाई रैप्चर कैपेसिटी, जो कि हार्डनेस को शो करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर हाई कार्बन स्टील से बना होगा तो उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए। और जब वो हाई स्पीड स्टील से बना होगा तो उसका प्रयोग हम लोग हार्ड मेटल की कटिंग के लिए करेंगे। जनरली जो बीट होते हैं उसको क्या किया जाता है? पूरे भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो उस चीज़ को याद रखना कि पूरे भाग को क्या रखा जाएगा? हार्ड और टेम्पर बनाया जाता है। क्यों हार्ड और टेम्परिंग कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, इसीलिए इसको हम लोग हार्ड और टेम्पर कर रहे हैं ताकि वो आसानी से दूसरे मेटल की कटिंग कर सकें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रिल। टाइप्स ऑफ ड्रिल में सबसे पहले देखते हैं फ्लैट ड्रिल और दूसरा होता है फ्लूटेड ड्रिल। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्लैट ड्रिल और दूसरा कहलाता है फ्लूटेड ड्रिल। फ्लैट ड्रिल जनरली कैसे रहेगा? एक सिंपल रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर कहां पर करते हैं? देखो ये फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वो कितना डिग्री रखा जाता है? 90 डिग्री होता है। इसका कटिंग एंगल 90 डिग्री होता है। और फ्लैट ड्रिल का ज़्यादातर प्रयोग हम लोग कारपेंट्री शॉप में करते हैं। ठीक है, कारपेंट्री शॉप जहाँ पर वो जो लकड़ी वकड़ी के काम होते हैं वहाँ पर देखना, कारपेंट्री शॉप में ज़्यादातर फ्लैट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी में हो या फिर सॉफ्ट लेदर वगैरह पर अगर होल करने हो तो वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फ्लैट ड्रिल का उपयोग किया जाता है। फ्लैट ड्रिल हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसका प्रयोग ज़्यादातर कारपेंट्री शॉप में किया जाता है। कारपेंट्री शॉप पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो कटिंग एंगल होता है वो कितना डिग्री रखा जाता है? 90 डिग्री होता है। और इसकी जो बॉडी क्लियरेंस है, ठीक है, मतलब कि क्लियरेंस एंगल जो होता है वो 3 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। ठीक है, इसका ज़्यादातर प्रयोग हम लोग कारपेंट्री शॉप में कर रहे हैं और बाकी जगह पर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके द्वारा
अच्छी शुद्धता वाला फिनिशिंग वाला हम लोग होल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लूट्स वगैरह नहीं कटा होता है, जिसकी वजह से इसको अधिक गहराई तक हम लोग होल नहीं बना सकते और अधिक हार्ड मेटल पर ड्रिलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग हम लोग कारपेंटरी शॉप में करते हैं, वर्कशॉप में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लूटेड ड्रिल। फ्लूटेड ड्रिल क्या रहेगा, जिस पर यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है फ्लूटेड ड्रिल का, इसमें क्या रहेंगे, फ्लूट्स कट रहते हैं। अब फ्लूटेड ड्रिल में फ्लूट्स कटे होने की वजह से क्या करता है, अधिक गहराई तक और अधिक हार्ड मेटल की कटिंग करने के लिए आसानी होता है इस पर, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग ज़्यादातर वर्कशॉप में और अदर पर्पज़ के लिए हम लोग फ्लूटेड ड्रिल का उपयोग करते हैं। इसको भी याद रखना, फ्लूटेड ड्रिल दो टाइप्स के आते हैं, एक आता है स्ट्रेट फ्लूट और दूसरा आता है ट्विस्ट फ्लूट। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में क्या रहेगा, जो फ्लूट्स कटे रहेंगे वो क्या रहेंगे, सीधे सीधे कटे रहेंगे, और जो फ्लूट ट्विस्ट फ्लूट है, यहाँ पर देखो ये ट्विस्ट है, ये क्या रहेगा, पूरे सराउंडिंग में रहेगा। तो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि उसको हम लोग अधिक गहराई तक की गड्ढा या फिर होल हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि स्ट्रेट फ्लूट होने की वजह से उसके जो चिप्स की रिमूवल है वो क्या होता है, आसानी से बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, इसीलिए उसको बार बार क्या करना पड़ता है, बार बार ऊपर नीचे कर करके चिप्स को बाहर निकालने के लिए हम लोग को ऊपर नीचे बार बार करना पड़ता है, जिसके वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और अधिक गहराई में कटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और वो जल्दी टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेट फ्लूट का हम लोग ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते। स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल में जो फ्लूट्स कटे रहेंगे वो क्या रहेंगे, पैरेलल कटे रहेंगे, और ट्विस्ट ड्रिल फ्लूट्स में क्या रहेगा, ट्विस्ट फ्लूट में क्या रहेगा, वो पूरे उसके गोल भाग में क्या रहेगा, राउंड में पूरा फ्लूट्स कटे रहेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्ट फ्लूट बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंक। टाइप्स ऑफ सिंक मतलब कि जो ट्विस्ट ड्रिल होता है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल होता है, तो वो कितने टाइप से, बहुत सारे टाइप्स के सेंक में आते हैं। जैसे कि ये वाला भाग क्या कहलाता है, सेंक कहलाता है। तो सेंक जो है जनरली तीन प्रकार से होते हैं, एक होगा स्ट्रेट सेंक, दूसरा टेपर सेंक, और तीसरा होता है स्क्वायर सेंक का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर देखना जो स्ट्रेट सेंक होता है, इसको हम लोग ड्रिल चक की सहायता से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब इसको ड्रिल के स्पिंडर पर बांधने के लिए हम लोग किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ड्रिल चक की आवश्यकता पड़ी सॉरी ड्रिल चक की आवश्यकता पड़ती है इसको फिक्स करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए। और ज़्यादातर ये 0.2 mm से लेकर के 40 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं। 40 mm तक की ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्ट्रेट सेंक ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। और स्ट्रेट सेंक वाले को होल्ड करने के लिए हम लोग ड्रिल चक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है टेपर सेंक। यहाँ पर आपको एक डायग्राम में दिखाया होगा टेपर सेंक, ये क्या रहेगा, इसका जो सेंक रहेगा वो टेपर रहेगा, और ये जो टेपर रहता है वो क्या रहता है, मोर्स टेपर में कटा होता है। ठीक है, मोर्स टेपर होता है, और इसके ड्रिल के स्पिंडल में भी क्या कट रहता है, मोर्स टेपर कट रहता है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को ड्रिल चक की आवश्यकता नहीं होती, इसको डायरेक्टली क्या किया जाता है, स्पिंडल पर फिक्स करके इसका यूज़ किया जाता है। मोर्स टेपर होने की वजह से क्या होता है, सेल्फ होल्डिंग डिवाइस होता है, जो कि सेल्फ होल्ड हो जाता है, इसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो ज़्यादातर जो टेपर सेंक ड्रिल है वो 3 mm से लेकर के 100 mm तक के साइज़ में पाया जाता है। ठीक है, मोर्स टेपर वाला और टेपर सेंक जो रहेगा वो कितना रहेगा, 3 mm से लेकर 100 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर सेंक। यहाँ पर दिखाया गया स्क्वायर सेंक, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्क्वायर सेंक वाले ड्रिल बेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो ज़्यादातर इसका प्रयोग हम लोग किस पर करते हैं, हैंड ड्रिल मशीन पर। हैंड ड्रिल मशीन पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं,
स्क्वायर सिंक वाले बीट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसकी स्पिंडल पर फिक्स कर सकते हैं। अगर ड्रिल की हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, तो ड्रिल को ज़्यादातर किसे स्पेसिफाई किया जाता है, ड्रिल को उसके व्यास मतलब कि डायमीटर और उसके जो टूल के प्रकार हैं, टूल के प्रकार और ISI इंडियन स्टैंडर्ड नंबर तथा मटेरियल के अनुसार इसको स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, व्यास, टूल के प्रकार, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर और उसके मटेरियल से इसको स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि मान के चलो कि व्यास उसका है 10 mm का और टूल का प्रकार एच टाइप है कि एन टाइप है या फिर एच टाइप है। एच मतलब कि हार्ड मेटल कटिंग के लिए, एन मतलब कि नॉर्मल के लिए, एस मतलब कि सॉफ्ट मेटल के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना, एच दिया होगा, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर होगा जो भी 5041, और उसके बाद में मटेरियल जैसे कि हाई कार्बन स्टील है तो हाई कार्बन स्टील, या फिर हाई स्पीड स्टील है तो हाई स्पीड स्टील, ऐसे करके एक मटेरियल दिया जाएगा। तो उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। तो याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि एच क्या चीज़ को शो करेगा, तो टूल के प्रकार को, हार्ड है कि सॉफ्ट है या फिर नॉर्मल है, शुरू अक्षर क्या शो करेगा उसके डायमीटर को, और लास्ट वाला उसके मटेरियल को शो करता है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है बीट पार्ट्स। अब यहाँ पर इसके बीट पर देखिए एक डायग्राम दिखाए गए हैं यहाँ पर, तो इसके डिफरेंट टाइप्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसका सब का अलग अलग फंक्शंस होता है, अलग अलग कार्य होता है, तो उसके बारे से देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिए। इसका जो फर्स्ट ऊपर वाला जस्ट भाग है वो क्या कहलाता है, सिंक कहलाता है, और ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये स्ट्रेट सिंक है, और वैसे ही टेपर सिंक भी आता है, और वैसे ही स्क्वायर सिंक भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिखाया गया वो क्या स्ट्रेट सिंक है। इस सिंक का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, जनरली सिंक का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, उसको ड्रिल चक पर होल्ड करने के लिए हम लोग सिंक का प्रयोग करते हैं इस एरिया को। और सिंक के बाद में एक छोटा सा बीच वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं नेक, नेक मतलब कि गर्दन। ठीक है, नेक बोलते हैं, और उसी को ही बोला जाता है रिसेस, इस चीज़ को याद रखना, इसको नेक या फिर रिसेस बोला जाता है। ज़्यादातर वहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम लिखा होता है, मतलब कि जो कंपनी उसको बनाएगा उसका वो क्या करेगा, नाम लिखेगा, या फिर ड्रिल का साइज वहाँ पर लिखता है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, रिसेस या फिर नेक बोला जाता है, जिस पर ड्रिल बिट जो बनाता है कंपनी उसका नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है नेक के बाद में आगे का भाग क्या कहलाता है, बीच का भाग पूरा बॉडी कहलाता है, और बॉडी के बाद जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। तो बॉडी में क्या रहेगा, इसके पूरे बॉडी को क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसके बॉडी में देखिए यहाँ पर एक फ्लूट्स कटे हुए हैं और एक उभरा हुआ भाग है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है कि सर्कुलर साइड में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो उभरा हुआ जो भाग रहेगा, जो चमकदार रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, लैंड या फिर मार्जिन कहा जाता है, उसी को ही लैंड बोलते हैं और उसी को ही मार्जिन बोलते हैं। तो उस चीज़ को याद रखिएगा, उभरा चमकता हुआ जो भाग रहेगा उसको क्या बोलते हैं, लैंड या फिर मार्जिन। और ज़्यादातर लैंड या फिर मार्जिन क्या करता है, उस होल के साइज को कंट्रोल करता है, मतलब कि होल के साइज को कम या फिर ज़्यादा होने नहीं देता। अगर वो लैंड और मार्जिन सही रहेगा तो आपका होल का साइज क्या रहेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। प्लस शुद्धता को भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे कि उसमें कितने रब्स सरफेस जनरेट कर रहे हैं, अगर उसका मार्जिन और लैंड का एंगल सही रहेगा तो क्या करेगा, वो फिनिश्ड होल क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो क्या करेगा, रफ सरफेस जनरेट करेगा। प्लस साथ ही साथ में जो ड्रिल का बीट है वो क्या करेगा, घिसेगा नहीं, क्योंकि वो बॉडी को क्लियरेंस प्रदान करता है, लैंड या फिर मार्जिन। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा, मार्जिन का काम होता है एक तो ड्रिल बिट को फ्रिक्शन होने से बचाना, मतलब कि उसके बॉडी को फ्रिक्शन होने से बचाना, साथ ही साथ में होल के साइज को कंट्रोल करना। ठीक है,
और उसको फिनिश करना। नेक्स्ट है फ्लूट्स। फ्लूट्स जो है ये क्या रहेगा, सर्कुलर पूरे एरिया में ट्विस्ट होके कटा रहते हैं। ज़्यादातर याद रखना जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें फ्लूट्स जो है राइट हैंड में कटा होता है, ठीक है। फ्लूट्स जनरली किस में कटा होता है, राइट हैंड में कटा होता है। और इस राइट हैंड में कटा होता है फ्लूट्स, और ड्रिल बिट हमेशा लेफ्ट हैंड में घूम कर कटिंग करता है। इस चीज़ को याद रखना, ड्रिल का कटिंग राउंड कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा ड्रिल और कटिंग करेगा, और उसका जो फ्लूट रहेगा उसके अपोजिट साइड में बना होता है, ताकि जो चिप्स हैं वो आसानी से क्या हो जाए, ब्रेक होके बाहर आ जाए, ठीक है। तो ड्रिल का जो कटिंग राउंडनेस वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमकर कटिंग करेगा, जबकि उसके फ्लूट्स कौन से डायरेक्शन में कटे होते हैं, क्लॉकवाइज में कटे होते हैं। तो फ्लूट्स का मेन काम होता है कटिंग पॉइंट तक, मतलब कि यहाँ पर कटिंग पॉइंट तक क्या करना, कूलेंट को पहुँचाना, ठीक है। फ्लूट्स का पहला काम होता है ताकि उसको आसानी से पूरे गहराई तक क्या किया जा सके, कटिंग किया जा सके, ठीक है। तो फ्लूट्स का काम होता है कटिंग फ्लूट्स को क्या करना, कटिंग पॉइंट तक पहुंचाना, और साथ ही साथ में कटे हुए चिप्स को वहां से रिमूव करने का भी काम करता है, ठीक है, जिससे आसानी से क्या हो सके, होल बनाया जा सके। नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं, जो ड्रिल का लेंथ होता है वो क्या रहेगा, सैंक से लेके पूरे पॉइंट तक का एरिया क्या कहलाएगा, ओवरऑल लेंथ कहलाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रिल का ऐसा कौन सा एंगल है जिसको ग्राइंडिंग करके चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को याद रखना, ड्रिल के हेलिक्स एंगल को हम लोग ग्राइंडिंग करके चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये हेलिक्स एंगल होता क्या है, ड्रिल के सेंटर से फ्लूट्स जिस डिग्री में कटे होते हैं, ठीक है, ड्रिल के सेंटर से फ्लूट्स, ये जो कटिंग फ्लूट्स हैं, जो मार्जिंग है, वो जो कटे होते हैं, वो जिस डिग्री में कटे होते हैं उसी को ही बोला जाता है हेलिक्स एंगल बोला जाता है, ठीक है। और यही हेलिक्स एंगल तीन टाइप्स के होते हैं, एज हार्ड टाइप, सॉफ्ट टाइप, और एक होता है मीडियम टाइप। हार्ड टाइप के लिए अधिक, सॉरी हार्ड टाइप के लिए कम, सॉफ्ट के लिए मीडियम, सॉफ्ट के लिए मीडियम साइज का रखेंगे, और ज़्यादा रखेंगे मीडियम के लिए मीडियम इसका एंगल रखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उसका अभी और आगे मैं डिफाइन करूँगा क्या होता है हेलिक्स एंगल, क्या होता है क्लियरेंस एंगल, क्या होता है उसके बारे से अभी और देखेंगे। आपको तो अभी ऐसे समझा रहा हूँ कि हेलिक्स एंगल होता क्या है। तो हेलिक्स एंगल क्या होगा, ड्रिल बिट के सेंटर से जो फ्लूट्स या फिर मार्जिन जिस एंगल में कटे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल बोला जाता है। नेक्स्ट है लिप रिलीफ एंगल। लिप रिलीफ एंगल को और क्या बोला जाता है, लिप कटिंग एंगल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखना, लिप कटिंग एंगल क्या होगा, जिस डिग्री में वो कटे रहेंगे लिप्स पीछे की ओर, कटिंग एंगल के पीछे की ओर जो दिया जाता है रिलीफ एंगल, उसी को ही बोला जाता है लिप कटिंग एंगल या फिर लिप एंगल बोला जाता है, जो कि हमेशा कटिंग एंगल के पीछे की ओर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो कटिंग एंगल है इसके पीछे की ओर जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, लिप या फिर कटिंग एंगल या फिर लिप रिलीफ एंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट। सॉरी, पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट एक चीज़ याद रखना, ड्रिल बिट का जो पॉइंट होता है, मान के चलो कि ये ऐसे करके हेलिक्स में कटा हुआ है, तो यहाँ पर इसके सेंटर में एक पॉइंट जाता है जो कि ये कटिंग एंगल को मिलाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा ये पूरा एरिया, और इसी में ही हम लोग, और बता देता हूँ क्या क्या रहता है, ये वाला पॉइंट एंगल कहलाता है, और इसी में एक सेंटर लाइन पर एक वो बना रहता है लास्ट में कटिंग एज, ठीक है, जिसको बोला जाता है डेड सेंटर। इस पॉइंट की मोटाई अगर ज़्यादा होगी तो ये क्या, यहाँ पर अभी क्या कहलाता है, ये वेब भी कहलाता है, इसको याद रखना, वेब कहलाएगा जो कि सेंटर पर रहेगा। और ये जो वेब है, अगर इसकी थिकनेस
अगर कम है इसकी थिकनेस तो ये क्या करेगा, वेब जो है कम अगर थिकनेस का रहेगा तो ये हार्ड मेटल की कटिंग नहीं कर सकता। जो भी वेब होता है वो क्या करता है, ड्रिल बीट की स्ट्रेंथ को और उसको रिजिड प्रदान करता है। तो वो जितना ज़्यादा थिक रहेगा उतना ज़्यादा उसकी हार्डनेस ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी और साथ ही साथ में वो अधिक हार्ड मटेरियल की कटिंग भी कर सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना, यदि वो थीन है तो वो किसके लिए होगा, लो स्ट्रेंथ का होगा और रिजिड नहीं होगा। तो ये सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए हम लोग थीन वेब का उपयोग करते हैं, जबकि थीक वेब का उपयोग, ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, थीक वेब हो जाएगा। और थीन, याद रखना, थीन वेब का उपयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल के लिए करेंगे और थीक वेब का उपयोग हम लोग हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड मेटल की कटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वेब, और जो यहाँ पर हम लोग वेब बोल रहे हैं वो क्या करते हैं, जब भी आप लोग को पता होगा कि ड्रिलिंग करने से पहले एक सेंटर पंच की मार्किंग की जाती है, और सेंटर पंच की मार्किंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ड्रिल का वेब उस पर क्या करता है, बैठता है और आसानी से वो क्या करेगा, सेंटर में होल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है ड्रिल का वेब कहाँ पर बैठता है, किए गए सेंटर पंच के मार्किंग पर वो ड्रिल का वेब बैठता है, और वेब जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके पॉइंट पर बहुत सारे एंगल्स बने होते हैं, उसके बारे से एक एक करके देखते जाते हैं। यहाँ पर एक्सिस मतलब क्यों, तो सेंटर लाइन हो गया, उसको छोड़ी दो। लिप और कटिंग एज, लिप और कटिंग एज क्या कहलाएगा, कटिंग एज के पीछे की ओर दी जाने वाली जो एंगल होती है उसको बोलते हैं लिप एंगल या फिर लिप रिलीफ एंगल के नाम से जाना जाता है। पेपर में याद रखना, लिप एंगल को और किस नाम से जाना जाता है, तो लिप रिलीफ एंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बीच का ये उभरा हुआ भाग मतलब कि जो मार्जिन होता है, ठीक है, मार्जिन क्या है, उभरा हुआ भाग होता है और यही मार्जिन कहलाता है। और ये मार्जिन क्या करता है, ड्रिल के बीच बॉडी क्लियरेंस देता है, ठीक है। मार्जिन, ये उभरे हुए भाग को क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। और ये मार्जिन क्या करता है, किसी भी ड्रिल के होल के साइज को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में ड्रिल होल के फिनिशिंग के लिए जिम्मेदार यही होता है, और साथ ही साथ में ड्रिल की पूरे बॉडी पर क्लियरेंस प्रदान करता है, क्योंकि ये अपने से थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज का कटिंग करता है ताकि उसके बॉडी को ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो जाए और ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इसीलिए इसको उभरा हुआ भाग बोलते हैं। बॉडी क्लियरेंस, जनरली जो बॉडी क्लियरेंस होता है वो तो जान ही रहे हो, हार्ड मटेरियल के लिए कम बॉडी क्लियरेंस रखा जाता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए अधिक बॉडी क्लियरेंस रखा जाता है, जिसके बारे से और डिफली से हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब क्लियरेंस के बारे से देख लेते हैं क्या क्या होता है, कौन कौन से इस पर एंगल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एंगल के बारे से, तो एंगल में पहला देखते हैं कटिंग एंगल। कटिंग एंगल, तो जो ड्रिल बीट का कटिंग एंगल होता है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर, मतलब काटी जाने वाली मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब कि हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए, हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए जो कटिंग एंगल होता है वो क्या रखा जाता है, ज़्यादा होता है, और सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए कम रखा जाता है। कटिंग एंगल का मान क्या रहेगा, हार्ड मटेरियल के लिए ज़्यादा और सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम रखा जाता है। जनरली जो ड्रिल का कटिंग एंगल होता है जनरली वो कितना रखा जाता है, 60 डिग्री से ले के 150 डिग्री तक रखा जाता है, ठीक है, 60 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक रखा जाता है। और साधारण कार्यों के लिए, सिंपल वर्क के लिए हम लोग इसको जनरली, इसका कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, 118 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। कटिंग एंगल किसको बोलेंगे, और यहाँ पर एक बार देख लीजिए, कटिंग एंगल ये जो पॉइंट पर बना रहे हैं ना, मतलब ये जो पॉइंट बन रहा है ड्रिल का,
यहाँ पर जो इसका एंगल जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा, ड्रिल का कटिंग एंगल कहलाएगा। और जनरली ये कितना रखा जाता है, 60 से लेके 150 डिग्री तक रखा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कटिंग एंगल हार्ड मटेरियल के लिए अधिक होगा और सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम रखा जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्या होगा, ये क्लियरेंस एंगल जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या करता है, बॉडी को फ्रिक्शन होने से बचाता है या हीट होने से बचाता है और आसानी से उसको कटिंग करने में मदद करता है। तो क्लियरेंस एंगल ये मार्जिन की वजह से बनता है, ठीक है, मार्जिन के ऊपरी भाग की वजह से क्लियरेंस एंगल बनता है। और जनरली जो ड्रिल का क्लियरेंस एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 7 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक रखा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साधारण कार्यों के लिए इसे हम लोग कितना रखते हैं, 12 डिग्री से 15 डिग्री तक रखा जाता है, ठीक है। और ये जो रहेगा हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए ये क्या रहेगा, कम रखा जाएगा। और सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए क्लियरेंस एंगल का मान क्या रहता है, ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए कम रखा जाएगा और सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसको ज़्यादा रखा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग हेलिक्स एंगल के बारे से। हेलिक्स एंगल जो आप ड्रिल की जब स्पेसिफिकेशन कर रहे थे तो आपको पता होगा कि ड्रिल का व्यास और उसके बाद में टूल का जो प्रकार था और टूल का प्रकार यहीं से उसको लेना है, ठीक है। तो हेलिक्स एंगल होता क्या है, हेलिक्स एंगल हम लोग किसको बोल रहे हैं, ड्रिल का फ्लूट्स जिस एंगल में कटा होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, हेलिक्स एंगल कहा जाता है, ठीक। ड्रिल का फ्लूट जिस एंगल में कटा रहता है उसे हेलिक्स एंगल कहते हैं। पेपर में मोस्ट पूछा जाता है कि ड्रिल का ऐसा कौन सा एंगल है जिसको ग्राइंडिंग करके बदला नहीं जा सकता, तो याद रखना ड्रिल के हेलिक्स एंगल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो जो कंपनी बना के देगा वैसे ही रहेगा परमानेंट, ठीक है। तो ड्रिल के हेलिक्स एंगल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ड्रिल के हेलिक्स एंगल हम लोग किसको बोलेंगे, जिस एंगल में फ्लूट्स कटे होंगे वो ड्रिल का हेलिक्स एंगल कहलाएगा। और जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, अलग अलग रहता है, जैसे कि हार्ड एच टाइप, नॉर्मल एन टाइप और एक होता है सॉफ्ट एस टाइप, ठीक है, हार्ड नॉर्मल और एक होता है सॉफ्ट। तो जो हेलिक्स एंगल पूछा जाता है तो ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल है एच टाइप के लिए, तो एच टाइप के लिए कितना रखा जाता है, 10 से लेके 13 डिग्री पर बना होता है, ठीक है। हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए हम लोग कितना डिग्री रखेंगे, हेलिक्स एंगल का मान 10 से 13 डिग्री रखा जाता है। नॉर्मल या फिर मीडियम जो हार्ड मेटल रहेगा उसके लिए कितना रखा जाता है, इसका हेलिक्स एंगल का मान 13 से लेके 16 डिग्री रखा जाता है। और सॉफ्ट मेटल का मान, सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए हेलिक्स एंगल का मान कितना रखा जाता है, 35 से 40 डिग्री तक रखा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हेलिक्स एंगल हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए कम होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कम है, जबकि सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए कटिंग में ये क्या रखा जाता है, इसका एंगल
ज़्यादा रखा जाता है। इसको याद रखना, कटिंग एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल की हार्डनेस के ऊपर, मटेरियल के अनुसार। और यहाँ पर सेम टू सेम, जैसे कि कटिंग एंगल जो डिपेंड करता है, सेम टू सेम हेलिक्स एंगल भी डिपेंड करता है। कटिंग एंगल हार्ड मटेरियल के लिए ज़्यादा होता है और हेलिक्स एंगल भी हार्ड मटेरियल के लिए ज़्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट है रैक एंगल। रैक एंगल आपको इसके पहले बताया था। रैक एंगल होता क्या है, जॉब की सरफेस और उसके टेंजेंट के द्वारा जो बना हुआ एंगल है वो क्या कहलाएगा, रैक एंगल कहलाएगा। और जनरली यह कितना रखा जाता है, जीरो डिग्री से लेके 30 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक, जीरो डिग्री से 30 डिग्री तक रखा जाता है। और रैक एंगल का मान भी हार्ड मटेरियल के लिए क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम रखा जाता है। यह एंगल याद रखना, सेंटर से परिधि की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये जो होल रहेगा वो क्या रहेगा, जो रैक एंगल का मान है, सेंटर से परिधि की ओर जब बढ़ेंगे तो क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक, रैक एंगल का मान। और इसी में ही एक लिप क्लियरेंस होता है, लिप एंगल जिसको बोलते हैं। लिप एंगल का मान याद रखना, पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, ये क्या रहेगा, परिधि से सेंटर की ओर बढ़ता है। मतलब इसका मान क्या रहेगा, परिधि से सेंटर की ओर बढ़ेगा, मतलब कि उसका मान क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है चिजल एज एंगल। चिजल एज एंगल किसको बोलेंगे, यहां पर जो दिख रहा है ना, डेड सेंटर और चिजल एज एंगल इस पॉइंट पे, तो ये क्या होता है, जब भी ड्रिल के चिजल एज और कटिंग लिप के बीच बनता है, जब हम लोग ड्रिल को ग्राइंडिंग करते हैं, तो इसका जो लिप और कटिंग एंगल की जब ग्राइंडिंग होती है तो बीच में एक उभरा हुआ भाग बचता है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या होती है जिसकी थिकनेस बड़ा होगा वो वेब कहलाएगा, छोटा होगा तो थिन वेब कहलाएगा। लेकिन वो जिस एंगल पर बनते हैं, मान के चलो कि ये कोई एक जॉब है, तो यहाँ पर अगर जब हम लोग कटिंग एंगल बनाते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा एंगल में कटता है, तो यही जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, यही क्या कहलाता है, चिजल एज एंगल कहलाता है। और ये चिजल एज एंगल जनरली देख लो, यहाँ से अगर नॉर्मल एक्सिस रहता तो 90 रहता, इससे ज़्यादा है, तो ये कितना रखा जाता है, चिजल एज एंगल जनरली 120 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक रखा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, चिजल एज एंगल किसके वजह से बनता है, कटिंग लिप और चिजल एज के बीच बनता है, ठीक है, जब ये दोनों को ग्राइंडिंग करते हैं, चिजल एज का जो एंगल रखा जाएगा ये क्या कहलाएगा, इस एंगल में जो कटा हुआ है ना, तो ये चिजल का पूरा क्या कहलाएगा, चिजल एज एंगल कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो अगला वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बना देंगे। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। We'll be right back.